इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भीड़ जो चल रही है ना, IIT नहीं होगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर हमें नीट नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, अरे तो IIT बन के भी कौन से तीर उखाड़ लोगे, IIT में पढ़ोगे वहां इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, कोचिंग वाले तुमको बेवकूफ बनाते मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे, जो IIT और नीट वाले समझते हैं ना एक्चुअली क्या है, तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे और तो तुम लोग बहुत जल्दी जो है खेल कर रहे हो जीवन में। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एम के लिए लड़ रहे हो, मैं इसमें आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप अपना एक एम सेलेक्ट करते हो, भाई किसी का एम होता है कि आज दौड़ेंगे तो उसको तुम कमजोर थोड़ी समझ लोगे, किसी का एम होता है कि आज हमें आज ये करना है, कमजोर थोड़ी हो आप, लेकिन एक्चुअल में जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो सब कुछ नहीं है, सही बात है ये, लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि यही सब कुछ है, सही बता रहा हूं मैं, अगर मैं अपने घर में अकेला लड़का होता और मैं इंजीनियर होता तो मुझे ये सब नहीं पता होता, मैं आपसे एकदम सही चीज शेयर कर रहा हूं, मेरे घर में तीन IIT में है, एक IIT कानपुर, दो IIT खड़गपुर, मेरे घर में मेरे भाई, तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करते हैं और क्या उनका मेरे लिए सोचना है और मेरा उनके लिए क्या सोचना है, तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे उस चीज को, वो अलग बात है आप उसको मजाक में ले लो, लेकिन मैं सच में शेयर करना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी और तुम फर्स्ट ईयर में जाके एकदम जो है जय जयकार होने लगेगी, कोई नहीं पूछेगा भाई कॉलेज में जाके तुमसे, ध्यान रखना तुम्हारी AIR 1 आ जाए चाहे AIR 10 आ जाए, अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि आपका एम है, क्यों आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो करो, उसके लिए तुम एफर्ट लगाओगे सीखोगे कुछ, लेकिन वो परम सत्य नहीं है, जो मेरी डिफरेंस समझना बात को, कई लोग इसका बहुत गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, मैं ये बात जानता हूं, कई लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि सर आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर JEE हो या नीट हो, आपको कोई चीज आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको वो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिलेगी तो इतना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मिलेगी बहुत बढ़िया, हम भी ताली बजाएंगे आप भी ताली बजाना अपने लिए कि भाई चलो हमने कुछ किया जीवन में, अच्छी बात है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है, जो सत्य कॉलेज के बाद होता है वो एक्चुअल परम सत्य है, और उस लेवल पे अभी तुम लोग नहीं पहुंचे हो, और तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है, ये बात समझना बात को, आपके घर में कोई भाई हो या बहन हो जो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हो या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हो, उनसे पूछना, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं मुझे नहीं पता कि आपका भाई या आपकी बहन किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना कि उस कॉलेज का जो टॉपर होता है और उस कॉलेज में जो लास्ट रैंकर होता है वो बराबर हो जाते हैं, मेरी ब्रांच में 432 रैंक में जिसने ओपन किया था उसका लास्ट तक आते आते प्लेसमेंट ही नहीं हुआ भाई, अब आप ये समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो तुम बेस्ट हो गए, आए अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई यार हमारा पढ़ा हुआ बच्चा निकला, लेकिन कॉलेज में जिस दिन तुम कदम रख लेते हो, कॉलेज के दरवाजे पे जिस दिन कदम रख के तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना अपना, उस दिन सब बराबर होते हैं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुमको बस जय जयकार करवाने की आदत है ना कि हमारा जो है रैंक आ गया, अरे भाई 12वीं क्लास में हो तुम, अभी बहुत बड़े नहीं हुए हो, जीवन में बहुत बार गिरोगे और वहां से जो तुम उठोगे ना वो बहुत ऊपर जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम सोचते ना 10वीं का प्यार हमारे तो ब्रेकअप हो गया और ये हो गया वो हो गया, हम तो 10वीं में हमारे 78 आ गए, हमारे तो 90% आ, ये कुछ नहीं है भाई, कॉलेज में जाने के बाद जब जो संघर्ष होगा, कॉलेज में जो 4 साल तुम्हारे निकलेंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या करोगे फिर, बहुत बार गिरोगे, लेकिन उसके बाद जो उठेगा ना वही जो इतिहास में लाइनें लिखी जाती ना वही लिखता है, समझ रहे हो बात को तुम बात समझो, तुम बात समझ नहीं पा रहे हो वो अलग बात है लेकिन मेरी बात समझो, तुम्हारी अगर मान लो IIT में बहुत अच्छी रैंक आ गई तो तुम भी उसके बराबर हो जो सेम, देखो एक होती है ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, मैं बता रहा हूं तुम्हें सही चीज, तुम्हारी मान लो
सपोज आईआईटी में या नीट में जो भी एग्जाम में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 10 रैंक आ गई या 14 रैंक आ गई या 20 रैंक आ गई या 40 रैंक आ गई, जो भी आ गई, तो जब तुम कॉलेज में कदम रखोगे ना तो वो 40 रैंक और तुम्हारी 500 रैंक, क्योंकि सेम ब्रांच मिलनी है तुम दोनों को, बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं कि 40 वाला बहुत होशियार है, 500 वाला बेकार है। कॉलेज में घुसने के बाद पता क्या होता है, 500 वाला बहुत आगे निकल जाता है, 40 वाला पीछे होता जाता है, 500 वाला बढ़िया अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है, 40 वाले का नहीं होता, ऐसा भी हुआ है कई बार। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है आपकी जिंदगी का, बहुत बड़ी चीज नहीं है जेई नीट, जितना तुम लोग समझते हो। हलवा बना रखा है ना एग्जाम का, जेई नीट ये एग्जाम वो एग्जाम, कहाँ यार ये सब बहुत। ये पता है जब तुम कॉलेज पास आउट कर चुके होगे तब तुम क्या तुच्छ एग्जाम के पीछे हम पढ़े थे यार, असली जिंदगी की रेस तो ये है जो हम अभी जी रहे हैं। जब सर्वाइवल के लिए तुम्हें जीना होगा ना, ये क्या 10वीं 12वीं ये क्या है एग्जाम जेई नीट क्या है भाई, ये तो तुम्हें माहौल बनाया जाता है ऐसे, इतना बड़ा माहौल, जब तक बड़ा घेरा नहीं बनाएगा चक्री में फंसोगे नहीं, तब तक तुम मानोगे नहीं, कुछ नहीं है यार ये चक्रव्यूह, जिंदगी का जो चक्रव्यूह है वो बहुत बड़ा है, तुम्हें इससे और स्ट्रांग बनना है यार, ये कुछ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि नहीं हमारी रैंक आएगी सर, हम तो टॉपर हैं अपने बैच के, अरे कोई टॉपर नहीं हो तुम, ठीक है तुम कॉलेज के अंदर घुसोगे ना, तुमसे कम रैंक वाला भी तुमसे ज्यादा CGPA से निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इंसान को जो बनाया गया है ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया है, तो खुश रहना चाहिए, ज्यादा अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं समझना चाहिए और ना ज्यादा डाउन समझना चाहिए कि नहीं हम ही बेस्ट हैं या हम एकदम बेकार हैं। अरे यार सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, उसको निकालो बाहर, ऐसे तीर निकलेंगे उसको चलाओ तब तुम जीवन जी पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो ज्यादा ज्ञान हो गया सर, आपने ज्यादा ज्ञान हो गया। ये कह रहा है सर 1.5 करोड़ के पैकेज का क्या करें। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, 1.5 करोड़ कमाने वाला ना सोच ही नहीं पाएगा कि उसका इतना पैसा है भाई। देखो सही बता रहा हूं मैं, 1.5 करोड़ कमाने वाला ना बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि दो घंटे काम किया 1.5 करोड़ कोई नहीं देगा तुमको, तो तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा फिर उतना पैसा खर्च करने को, कहां करोगे भाई, संपत्ति लगा लो जितनी लगानी है, वो तो घर वालों ने वैसे ही लगा रखी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी रैंक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने ड्रीम के लिए काम ना करो, दोनों चीजें हैं। एक्चुअल में मैं जिस एंगल से तुम्हें देख रहा हूं और आप जिस एंगल से मुझे देख रहे हो वो अलग है, मैं उस एंगल से तुम्हें देख रहा हूं जहां मैंने बहुत गिरते हुए लोगों को देखा है कि यार सिलेक्ट ही नहीं हुआ, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत देखा लोगों को कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ मैं क्या करूंगा, और वो आज की डेट में गाना गा रहा है, बहुत बढ़िया। वो इंसान मैंने देखा है कि जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था वो आज की डेट में अपनी कंपनी चला रहा है, बात समझ रहे हो तुम, मतलब ऐसे लोग देखे, और ऐसे भी देखे हैं भैया कि जिनका बहुत बढ़िया रैंक था कॉलेज में जा, अच्छा कर रहे हैं नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का हम लोग सोचते थे उस लेवल पे जाना चाहिए था उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं है कि एक पैरामीटर है कि कक्षा 12वीं में तुम पढ़ोगे तुम्हारा जेई नीट हो जाएगा तो तुम जीवन में सक्सेसफुल हो गए, ये भाई साहब बहुत बड़ी चीज है जो मैं आज बोल रहा हूं और जो आप भी समझो, जेई और नीट में सिलेक्शन होने के बाद असली संघर्ष तुम्हारा चालू होगा, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों याद करो तुम्हारे घर वाले तुमसे क्या बोलते थे, बस 8वीं कर लो मजा ही मजा है, बस 10वीं कर लो मजा ही मजा है, बस 12वीं कर लो मजा ही मजा है, बस बीटेक कर लो मजा ही मजा है, बस डॉक्टर बन जाओ मजा ही मजा है, तो मजा कब आएगा भाई जीवन। तो ये तो हमें सर्च करना है ना है? तो ये सेम उसी तरीके से है जो तुम लोगों को ये क्वेश्चन मार्क वाले सपने दिखाते हैं, मजा ही मजा है। अरे मजा तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा जीवन में, 10वीं 12वीं और ये करने के बाद मजा है, अरे मजा कभी नहीं है। जीवन जो है रणभूमि था है और रहेगा, हमारा हिंदुस्तान का इतिहास बोलता है ये, आपको लड़ना पड़ेगा चीजों के लिए, ठीक है, पागलपन जरूरी है। समझ रहे हो, आपका ड्रीम है हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपका ड्रीम है हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, दो बार बोला मैंने है ना। आप इस ड्रीम को सक्सेसफुली अचीव, इसलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं यार,
कि आपके ड्रीम को हमें फुलफिल कराना। लेकिन हमें ये देखो, टीचर होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको ये बताएं कि जो तुम अचीव कर लोगे वो फाइनल नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, जो तुम कर लोगे वो फाइनल नहीं है कि तुम्हारी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया, अच्छा एम्स दिल्ली मिल गया, आपका सपना है, वेरी गुड। हम उसके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं कि आपका सपने को पूरा करें। लेकिन उस एग्जाम में, उस कॉलेज में जाने के बाद हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे इन द सेंस ऑफ कॉन्टेंट। बाकी दिल से जुड़े हो तो जुड़े रहेंगे यार, ऐसा क्या है। कई बच्चे मेरे से जुड़े हैं, 10-10 साल पुराने भी जुड़े हैं कि सर आज तो मजा आ गया, आज तो यहाँ है ऐसा, तो वो तो जुड़े हैं। लेकिन हम उस सेंस में मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको कॉलेज वाला कंटेंट थोड़ी आता है, हम पीएचडी थोड़ी किए हुए हैं। हम स्पेसिफिक हैं कि भैया इस कॉलेज में, इस कॉलेज में जाना है तो हमसे मिलो, ठीक है। तो हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं आपके साथ, और वही मेहनत हमें करनी है। मैं आपको पता है आज क्या, आज मैं आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि आप जो लोग सोचते हैं ना कि सर बहुत बड़ी चीज है जेई और बहुत बड़ी चीज है नीट, कोई बड़ी नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ अभी बचा है। देखो एक्चुअल में क्या है, अब माहौल बना रहे हो तो बता देते, देखो अभी तुम्हारी जिंदगी का, ओ भाई तुम्हें पता क्या लग रहा है, तुम्हें ये लग रहा है कि बस ये पहाड़ है मेरी जिंदगी का, अभी तुम्हें ये दूसरा तो देखा ही नहीं, तुम अभी यहां खड़े हो, तुम ये सोच रहे हो कि बस ये है फाइनल, तुम्हें पता नहीं है ये क्यों, क्योंकि तुम अभी यहां पहुंचे ही नहीं हो, तुमको दिख ही नहीं रहा बड़ा बड़ा पहाड़, तुम यहां तक पहुंचे हो अभी। अब तुम यहां पहुंच जाओगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि जिंदगी में बहुत बड़ी टेंशन है, संघर्ष करना होगा और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखना होगा। हर कदम पे आपको 10 लोग मिलेंगे जो मना करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस आप वहां पे जीत जाओ तो बस नाम हो जाएगा आपका, है ना। समझ रहे हो, 2-step reaction कह रहे हैं। अभी आप जिस पहाड़ को चढ़ रहे हो वो कुछ भी नहीं है, वो आप कर सकते हो, मेहनत करो बस कर लोगे। असली पहाड़ पता क्या होता है, जब किसी से आप, अभी पता क्या हो रहा है आपके साथ जिंदगी में, आप बस पढ़ रहे हो, घर वाले आपसे एक काम नहीं कराते, बात सही है, घर वाले आपको बाहर कमाने के लिए नहीं भेजते, बात सही है, घर वाले आपको बोलते हैं बेटा बैठो और पढ़ो, और तुमको ये पहाड़ लग रहा है बहुत ऊंचा है। जब तुम दूसरे के यहां काम करोगे या अपनी कंपनी भी खोलोगे या कुछ अपने लिए बड़ा करोगे तो वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है। अभी तो तुम्हें क्या है भाई, एकदम बैठे हो मस्त, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोगों को, मतलब मैं मन की आंखों से देख सकता हूँ, बैठे हैं आराम से, किसी के यहाँ तो एसी चल रहा होगा, किसी के यहाँ पंखा चल रहा होगा, आराम से बैठे हैं, घर वाले मम्मी तैयार हैं एकदम खाना लेके कि आज बेटा बस अभी पढ़ रहा है खाना खाने आ जाएगा, इतना रिलैक्स दे रहे हैं घर वाले तुम्हें। तो ये पहाड़ इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है यार, जब तुम घर के बाहर निकलोगे और किसी दूसरे इंसान के यहां जाओगे कि सर हमें नौकरी चाहिए, या आप अपनी कंपनी भी खोलोगे तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत लगेगी, ऐसे कंपनी खड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता, जो लोग बता देते हैं ना कंपनी खोलो इतना, ऐसा नहीं होता भाई। लोग बोल तो आसानी से देते हैं अपना बिजनेस डालो, अरे डालो क्या भाई, उसके लिए मेहनत लगेगी बहुत, तो वो मेहनत जो करता उसी का बिजनेस होता है, तो उसमें भी आपको मेहनत लगेगी। या आप जो भी काम करते हो अपने लिए कुछ करोगे ना, अभी आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप गलत फहमी में हो बहुत, ये बहुत छोटा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ अभी चढ़ना बाकी है जब खुद के लिए काम करोगे, ठीक है। कुछ भी करो, भले ही तुम सिंगर बनो, डांसर बनो, तुम टीचर बनो, तुम किसी आईटी कंपनी में जाओ या तुम कोई रिसर्च में जाओ, वो जो मेहनत की मतलब बहुत खतरनाक मेहनत होती है वहां पर, वो लेवल आप अचीव कर लो तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो तुम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसा कि सर बहुत मन नहीं लग रहा सर पढ़ाई में, क्या करें, अरे तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम यार। मन नहीं लग रहा, अरे यार तुम्हारा, तुम छोटा सा पहाड़ चढ़ रहे हो उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा तो लगाना पड़ेगा, उसका कोई ऐसा नहीं होता कि ये दवाई रही, ये टैबलेट है ये मन लगा लो। ये टैबलेट से मन लग जाता है। मैं तो तुमको करना है भाई, तुमको बड़ा पहाड़ चढ़ना होगा तभी तुम आगे जिंदगी में कुछ कर पाओगे, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए भाई, ठीक है। बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा क्योंकि मैं क्या है बहुत कम ज्ञान देता हूं, लेकिन
आप लोग भी जानते हो मुझे एकदम सटीक देता हूँ। आज नहीं, ये जो भले देखो ऑनलाइन का एक फायदा है, ये वीडियो क्या है आपको मिलेगा ठीक। इस वीडियो को आप 4 साल बाद देखोगे ना तो मुझे फोन जरूर करोगे ठीक है। चलो भैया थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप यहाँ पर आए और आपने हमें बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।